हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने चुनाव के रिजल्ट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। राजस्थान में बीजेपी 112 सीटों पर आगे है तो वहीं कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 161 सीटों पर जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर बीजेपी 55 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 32 सीटों पर। तेलंगाना में कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है, वहीं बीआरएस 41 सीटों पर और बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। पहली बार विदेश में होगा आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल 2024 ऑक्शन की तारीख और वेन्यू का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। आईपीएल के ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। पहली बार आईपीएल की नीलामी भारत से बाहर होगी। 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल ऑक्शन आयोजित किया जाएगा तो वहीं कुल 1166 खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए उतरेंगे। इसमें 909 अनकैप्ड खिलाड़ियों में से 812 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। आईपीएल 2024 में 10 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं। चुनाव के नतीजों में बीजेपी की जीत पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा भारत के मन में मोदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में बीजेपी की जीत पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से साफ है कि भारत के मन में मोदी है। कमल खिलने का मतलब सुशासन और विकास की गारंटी है। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का पूरा देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी है। मध्य प्रदेश के सीएम ने जताया जनता का आभार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थकों का आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के मेरे मित्रों, पूरे कैंपेन के दौरान आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह मिला वो अभूतपूर्व व अद्भुत था। आपके प्यार और सहयोग के जरिए आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे और प्रदेश व प्रदेशवासियों की सेवा करते रहेंगे। यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के घर को किया गया कुर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी आरोपी गुड्डू मुस्लिम के मकान को पुलिस ने कुर्क कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। पुलिस ने गुड्डू के मकान पर एक नोटिस चस्पा किया है और ढोल नगाड़ा बजवा कर मुनादी कार्रवाई की है। बता दें कि इस हत्याकांड के आरोपी शूटर साबिर के मकान को भी सील किया गया है। साबिर पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीश के जज भाई को यूपी पुलिस ने दी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश देने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के भाई व न्यायाधीश दिनेश कुमार दिवाकर को शाहजहांपुर पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। शाहजहांपुर के SP अशोक कुमार मीणा ने बताया कि जिले की अदालत में कार्यरत जज दिनेश कुमार ने उन्हें पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी थी। चुनाव के रुझानों पर बोले सीएम धामी, कहा सिद्ध हो गया कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव 3/4 बहुमत से जीतेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा पार करने के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे इस एक बात सिद्ध हो गई है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 3/4 बहुमत से जीतने जा रही है। बकौल धामी, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।